इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच के बाद जैसे ही प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड की घोषणा हुई, हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मोहम्मद सामी ने जिस तरह मैच विनिंग गेंदबाजी की, हर कोई बस उन्हीं का नाम सोच रहा था। कप्तान रोहित शर्मा भी यह बात जानते थे, इसलिए उन्होंने यह अवार्ड मोहम्मद सामी के नाम डेडिकेट कर दिया। लेकिन तभी पीछे से कुछ आवाज़ आई और वो नज़ारा देखने को मिला जिसने सभी को भावुक कर डाला। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वर्ल्ड कप मैच हर तरह से भारतीय टीम का इम्तिहान था। इस घातक पिच में जहाँ पर बल्लेबाजों का खड़ा रह पाना मुश्किल था, वहाँ पर कप्तान रोहित शर्मा ने पारी को अपने कंधों पर संभाला और 87 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। वहीं 230 रनों के लो स्कोर को भारतीय गेंदबाजों ने दिलचस्प अंदाज में डिफेंड किया। जसप्रीत बुमराह ने शुरुआती विकेट्स झटके, वहीं मोहम्मद सामी ने पूरी इंग्लैंड टीम को बिखेर कर रख डाला। पर जब कप्तान रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला तो उन्होंने यह अवार्ड मोहम्मद सामी को डेडिकेट कर दिया। आपको ये खूबसूरत नज़ारा कैसा लगा कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।